अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करने लगे हैं कि हमारे बच्चे अक्सर मेहमानों के सामने हमारी इंसल्ट या हमें शर्मिंदगी का बहस बनाते हैं। तो वो कुछ पॉइंट होते हैं कि जब हम मेहमान के सामने कोई चीज रखते हैं तो वो उठा लेते हैं या उसे एक ऐसी नजरों से देख लेते हैं कि मेहमान उसे खुद ही वो चीज दे देते हैं। तो हम इस चीजों से कैसे बचें, और ये शर्मिंदगी है क्या, ये हमारी वहां पे ठीक है या गलत है? तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ये टॉपिक हमें किस तरह, मतलब हमें गाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हम अपने मेहमान के सामने कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई मतलब किसी किस्म की कोई चीज रखते हैं, तो बच्चा जब हमारे साथ होता है, हमारा मेहमान हमारे सामने बैठा होता है, तो बच्चा उसे बड़ी भूखी नजरों से देख रहा होता है, जैसे उसने उस चीज को कभी देखा ही ना हो, कभी खाया ही ना हो, तो वो ऐसी नजरों से देख रहा होता है। जो बाज़ बच्चे ऐसे ही करते हैं वहां पे कि वो खुद उस चीज को जैसे ही वहां पे टेबल पे रखी जाती है वो उसको फौरन उठा के खाना शुरू कर देते हैं। अभी मतलब कि मेहमान ने शुरू ही नहीं किया तो घर का जो बच्चा है वो खाना शुरू कर देता है। तो जहरी सी बात है, वहां पे वालदैन को थोड़ी सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ पे इंसल्ट हो रही है। तो वो जब बच्चा मतलब वहां पे वो भूखी नजरों से देख रहा होता है मेहमान को कि वो खा रहा है, तो मेहमान उसे अपनी कोल्ड ड्रिंक जो भी चीज होती है वो उसे दे देता है कि बच्चा पी ले या खा ले जो भी है। तो मतलब वहां पे भी हमें अपनी इंसल्ट ही फील होती है। तो नेक्स्ट में कहता है कि स्प्राइट या कोक। अब ये स्प्राइट या कोक क्या है? जब हम अपने बच्चे को किसी के घर लेके जाते हैं, हम मेहमान बन के जाते हैं, तो हमारा बच्चा वहां पे फरमाइशें करना शुरू कर देता है कि मैं जी ये अगर स्प्राइट आई हुई है तो मैं कोक पीऊंगा, या कोक आई हुई तो मैं स्प्राइट पीऊंगा, या ये जो खाने की चीज है ये आ जाए मैं ये खाऊंगा, इस तरह। अब बाज का कुछ लोगों की इस्तेदाद इतनी नहीं होती कि वो मतलब चीजें इतनी अरेंज कर पाए। अगर वो एक कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं तो बच्चे ने फरमाइश दूसरी कर दी, वो दूसरियों को लेके आनी पड़ेगी। तो मतलब कि वहां पे भी हमें अपनी इंसल्ट या अपनी वहां पे मतलब कि हमें एक फील होती है। तो अब हम इस चीज को देखते हैं कि बच्चा ऐसा करता क्यों है। दरअसल ये कुदरत का एक नेचरली एक कानून है कि जो मतलब पिछली जनरेशन होती है आगे वाली जनरेशन उससे बेहतर होती है। तो अब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जो हमारा बच्चा है वो हमसे तेज आगे अगला काम करने की कोशिश कर रहा है, वो हमें अपनी तरफ एक्टिव, अपनी तरफ मुतवज्जे होने की कोशिश कर रहा है कि मेरी तरफ मुतवज्जे हो। अब बच्चा जब घर में कोई मतलब शरारत या कोई ऐसा काम करता है तो हम उसे रोक थोक के अपने मतलब कि इंसल्ट करके या जो भी मार पीट करके उसे उस चीज से रोक देते हैं। तो अब जो बच्चा वहां पे ये काम कर रहा है कि मतलब हमारी इंसल्ट का बायस बन रहा है, तो वो ऐसा क्यों करता है? उसकी वजह कि बच्चे को जब घर में तवज्जो नहीं दी जा रही होती, बच्चे को घर में अहमियत नहीं दी जा रही होती, तो बच्चा वहां पे हमारी एक नाजुक पोजीशन का फायदा उठाते हुए वहां पे ऐसे काम करता है कि मेरी तरफ सारे बच्चे सॉरी मेरी तरफ सारे जो मतलब बैठे हुए मेहमान है जो भी है तो मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। तो ये बच्चा लाशूरी तौर पे कर रहा होता है, उसे इस चीज का इल्म नहीं होता कि यहाँ पे मैं अच्छा कर रहा हूं बुरा कर रहा हूं, किसी की इंसल्ट हो रही है क्या हो रहा है, तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता क्योंकि वो बच्चा है, लाशूरी तौर पे वो चीज कर रहा होता है कि मेरी तरफ सारे बंदे एक मतलब तवज्जो का मरकूज बनाए, तवज्जो मेरी तरफ उनकी हो जाए। तो ये वजह होती है कि बच्चा वहां पर ऐसी चीजें कर रहा होता है। तो उसके बाद जो बच्चा होता है वो दरअसल मतलब कि एक उसकी सोच ही होती है कि जब मतलब मुझे घर में अहमियत नहीं दी जा रही तो मैं वहां पे ऐसे काम करूं ताकि मुझे सब लोग देखें, मुझे मतलब कि सुने मेरी बात को, मेरे काम को देखें, तो वो उसका एक मकसद होता है। तो अब चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हमारी जो हम शर्मिंदगी यहाँ पे फील कर रहे होते हैं, हम जो यहाँ पे अपनी इंसल्ट फील कर रहे होते हैं, क्या ये ठीक है? तो इसके जो आंसर है ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है कि जब हम मेहमान के सामने हमारा बच्चा ऐसे एक्ट करता है तो हम वहां पे अपनी इंसल्ट फील करें, तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमें वहां पे इंसल्ट फील नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर हम वहां पे इंसल्ट फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने मेहमान को बेवकूफ समझ रहे हैं कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है, उसे सब कुछ पता है कि सब घरों में ऐसा होता है कि सब बच्चे ऐसा करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेहमान को नहीं पता तो इसका मतलब है कि आप अपने मेहमान को बेवकूफ समझ रहे हैं।
तो वहां पे आपको इंसल्ट फील नहीं करनी चाहिए। हाँ ये जरूर है कि मतलब जैसे मैंने पहले इस्तात वाली बात की है कि कुछ बंदों की इस्तात होती है कुछ की नहीं होती, तो वहां पे अपने बच्चे को समझाएं, अखलाकियात जरूर सिखाएं। यहां पे भी सिखाएं कि मेहमान के सामने जब वो कोई चीज उठा रहा है या उससे एक भूखी नजरों से देख रहा है तो ये चीज भी गलत है। अखलाकियात उसे जरूर सिखाएं, उसे टाइम आउट के जरिए समझाएं। टाइम आउट के मतलब अपने बच्चे को ये कहें कि बेटा अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको कभी भी किसी जगह नहीं लेके जाएंगे। अगर आप मतलब के मेहमानों के सामने हमारी इंसल्ट का बहस बनते हैं, हमारी एक शर्मिंदगी का बहस बनते हैं, हमें फील होता है कि हमारी इंसल्ट हो रही है, तो ऐसे काम आपने नहीं करने। अपने बेटे को समझाएं, वो जरूर ऐसा करेगा, क्योंकि जब बच्चे पे कोई कंडीशन लगती है कि बेटा अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको वहां लेके जाएंगे, अगर आप ऐसा करोगे तो हम वहां पे आपको नहीं लेके जाएंगे, तो जब ये कंडीशन लगती है तो बच्चा इस पर जरूर सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे वहां पे नहीं लेके जाएंगे। तो आप अपने बच्चे को अखलाकियात जरूर सिखाएं, लेकिन यहाँ पे शर्मिंदगी का कोई आपके लिए मौका नहीं है कि आप शर्मिंदा हो, आप अपनी इंसल्ट फील करें, ये आपकी गलत फहमी है। और यहाँ पे आप अगर आप मतलब ये सोचते हैं कि मेहमान क्या सोच रहा होगा कि यार इस बच्चे ने कोई चीज खाई हुई नहीं है, कोई चीज देखी हुई नहीं है, ये मेरी मतलब मेरी तरफ इतनी भूखी नजरों से देख रहा है, इसे घर में कोई चीज मिलती नहीं है, तो ये भी आपकी गलत फहमी है। आप किसी की सोच पे कोई पहरा नहीं लगा सकते, आप अपनी सोच को अपनी एक अपने एक मतलब कि अपने बच्चों को अखलाकियात सिखाएं और दूसरी की सोचों को फिर आप छोड़ दें कि दूसरे क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके आपके बच्चे के अंदर अखलाकियात होंगी, अगर वो ऐसी कोई हरकत करता भी है तो वो बच्चा लाशूरी तौर पे कर रहा है, कोई उसे इस चीज का इल्म नहीं है, तो अगर मेहमान ऐसा सोच रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेहमान ऐसा सोच रहा होगा, तो ये आपकी भी यहां पे गलत फहमी हो गई। तो आपने इस चीजों से बचने के लिए अपने बच्चे को एक मौका इस तरह देना है, उस पर कंडीशन लगानी है कि बेटा अगर आप ऐसा करोगे तो हम वहां पे आपको नहीं लेके जाएंगे। तो इस तरह आपका बच्चा इस चीज से रोक सकता है, इस चीज से रुक सकता है, इस चीज से गुरेज कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।